हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2023 2023 में कौन से ऐसे पांच फाइटर है जो चैंपियन बन सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आप तक शेयर करूंगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी फ्रेंड। उससे पहले आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरा हौसला बढ़ाओ, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए हिंदी में UFC की MMA की सारी न्यूज लाते रहूं। फ्रेंड अब वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड आप सोचिए, पहला ऐसा फाइटर कौन हो सकता है? हाँ ऑब्वियसली खमजत बोर्शिमाएव। बोर्स खमजत जो है वो मुझे लगता है 2023 में 2023 में चैंपियन बनेंगे। मिडल वेट में तो थोड़ा कम चांस लग रहा है, बट वेल्टर वेट में वो जरूर बनेंगे। आप भी एग्री करते होंगे मेरे ख्याल से दोस्तों। नंबर सेकंड, सेकंड नंबर पे जो है वो है अलेक्जेंडर वोल्कोनोस्की। आप सोच रहे हैं एलेक्स वॉल्को तो ऑलरेडी चैंपियन है। यस हाँ वो है, बट उन्हें डबल चैंप बनना है। लाइट वेट में भी ये बेल्ट जीतना है उन्हें, तो इसलिए वो चैंपियन बन सकते हैं। नंबर थर्ड, जमाहल हिल लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप वर्सेस ग्लोअ टेक्सेरा, उनकी फाइट होगी फ्रेंड UFC 280 283 में रियो इन ब्राजील में। तो उनके पास एक मौका है चैंपियन बनने का। नंबर फोर्थ, शिन ओमोली। शिन ओमोली वही फाइटर जो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी फाइट के बाद। उनकी पीटर एंड से फाइट थी, काफी क्लोज फाइट थी। आई थिंक क्लोज नहीं, एक तरह की रॉबरी थी वो, फैक्ट जो है मैं बोलूँ तो आप भी जानते होंगे दोस्तों। तो उनके पास अब मौका है बेल्ट टाइटल फाइट लड़ने का दोस्तों। और नंबर फाइव जो लास्ट है वो है सर्जी पॉलोविक। सर्जी पॉलोविक दोस्तों ये वही फाइटर है जो ताई तुईवासा को बुरी तरह से हरा दिया था और पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था उन्हें। अंडर 1 मिनट में वो फाइट फिनिश कर दिए थे दोस्तों। ये मेरे पांच ऐसे फाइटर हैं। फ्रेंड आपके भी माइंड में कुछ चल रहा है ऐसे कौन से पांच फाइटर हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों। मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और मैं इस पर गौर भी करूंगा दोस्तों कि आपके माइंड में क्या चल रहा है दोस्तों। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करो दोस्तों। मैं आपके कमेंट देखते रहूंगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।